मेरा नाम करमचंद है जी और मैं 60 साल से यहीं पर रह रहा हूँ। मैं पहले HRTC में नौकरी करता था, रिटायर होने के बाद मैंने फिर सोचा कि मकान बनाना है। निचली मंजिल हमारी बनी हुई थी, ऊपर की मंजिल के बनाने की सोच रहे थे, तो हमने नेट के ऊपर देखा, फिर हमने कंपनी में कॉन्टैक्ट किया, फिर उन्होंने अपनी टीम भेजी, यहाँ पर सर्वे वगैरह किया। दिसंबर में काम शुरू हो गया इसका और फरवरी लास्ट में ख़त्म हो गया। एक तो टाइम कम लगा, लाइट वेट है, दूसरा बाहर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। एक तो लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी कि कोई सामान लाना है, कुछ करना है, अपने आप सब सामान आता गया और ये बनाते गए और 3 महीने के अंदर अंदर सारा तैयार हो गया और हमें भी बहुत अच्छा लगा और कंपनी की तरफ से भी हमें बहुत सहयोग मिला। मैं टाटा नेस्टिंग वालों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को इतनी जल्दी मकान बनाना जो है आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सभी ये कहते हैं कि लकड़ी का बना हुआ है। हम उनको बताते हैं, जब हम कहते हैं भी स्टील का है तो वो मानता नहीं है कोई भी स्टील का है। कंपनी ने जो भी सामान लगाया वो बढ़िया लगाया, अच्छी क्वालिटी का सामान है सारा। लोग जो है इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और मैं उनको सबको यही सुझाव दे रहा हूँ कि आप आजकल के ज़माने में, कल को जैसे हमारे मकान मिट्टी से, रेत से, ईंट से बनते हैं, कल को तोड़ेंगे तो उनको फेंकने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, खर्चा भी कम आता है और कल को हमारी अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं तो सबको यही सुझाव देता हूँ कि आप इस कंपनी से मकान बनवाएं और सुविधा का लाभ उठाएं।